सो कीर्ति नगर मार्केट में आउटसाइड में आपको बहुत बड़े बड़े स्टोर्स मिलेंगे जहाँ आपको लाइटिंग और आपको फर्नीचर, इवन फॉर योर ऑफिस, फॉर योर हाउस और फॉर अ बिग बिल्डिंग, वटेवर, आपको वहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। देन सोफ़ा फैब्रिक्स वगैरह भी मिलेंगे, छोटी छोटी चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बट मैं आज आपको गलियों के अंदर कीर्ति नगर की घुमाऊंगी क्योंकि यहाँ पर मिलता है थोड़ा सस्ता सामान। सो वी हैव कम फॉर फर्नीचर शॉपिंग इन कीर्ति नगर। कीर्ति नगर काफ़ी बड़ी मार्केट है, आगे पीछे बहुत, आगे वाली जो शॉप से जो मेन रोड पे हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो आप पीछे गलियों में जाके देख सकते हो, आपको हर टाइप की चीज़ मिल जाएगी, कर्टन्स, सोफ़ा फैब्रिक्स, इवन फर्नीचर, डेकोर आइटम्स। तो जो जो मैं देखती जाऊँगी मैं आपको कोशिश करूँगी कि दिखाती रहूँ। मैं ओपन लैडर में घुसी लेकिन मैं वीडियो नहीं ले पाई, बट अर्बन लैडर में कुछ खास था भी नहीं और एक्सपेंसिव भी बहुत था। तो सबसे पहला स्टोर जो हम गए वो है ये राजस्थानी फर्नीचर। इसका एड्रेस आपको मिल जाएगा आराम से, मैं नीचे अगर मेरे पास कार्ड हुआ तो मैं ज़रूर डाल दूंगी। इसमें शीशम वुड की चीज़ें मिल जाती हैं, आप अगर ड्रीम्स से एंटर करोगे, ड्रीम्स बहुत बड़ा स्टोर है, आपको कीर्ति नगर में दिख जाएगा। आप उससे पीछे वाली गली में चले जाओ तो आपको ये शॉप कहीं ना कहीं दिख जाएगी। और यहाँ पर शीशम वुड फर्नीचर बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। ऐसा ही फर्नीचर बंजारा मार्केट में मिलता है। अभी मैं आपको शो करूँगी कि ऐसे शेल्व्स और टेबल्स और साइड टेबल्स और इवन फॉर योर लाइब्रेरी और फॉर टीवी पैनल्स, आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि बहुत ही आर्टिस्टिक और बहुत ही राजस्थानी स्टाइल लगेगा। और यहाँ पर ये रेट भी बिल्कुल ऐसे ही लगाते हैं जैसे आप बंजारा मार्केट में जाके देखोगे। बंजारा मार्केट में अराउंड 3000 का एक साइड टेबल पड़ता है और यहाँ पर 2500 का, तो यहाँ पे भी बार्गेन कर सकते हो। अगर अच्छा दिन हुआ तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रेट पे मिल जाएगा। इस शॉप से हमने साइड टेबल्स लिए हुए हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, ड्रॉज़ वगैरह भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत ही एंटीक और विंटेज लुक देते हैं, सो यू लव इट। द नेक्स्ट शॉप दैट आई एम गोइंग टू शो यू इज़ काइंड ऑफ पिनिंट्रेस्ट टाइप ऑफ फर्नीचर, जहाँ पर यहाँ पे पूफ्स कहते हैं और टेबल्स जो बिल्कुल पिनिंट्रेस्ट टाइप के हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, वो मिलते हैं। मैंने आपको एड्रेस दिखा दिया है। और ऐसी चेयर्स भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ऑफिस के लिए भी काम आती हैं। एंड दिस इज़ मी रोमिंग अराउंड इन द मार्केट, ये मैं बीच की गली में घूम रही हूँ। तो आप बहुत सारी शॉप्स हैं, आपको पूरे 4-5 दिन चाहिए कुछ भी सिलेक्ट करने के लिए। एक और शॉप जो शीशम फर्नीचर वाली थी ये बेटर थी और भी, क्योंकि यहाँ वैरायटी ज़्यादा थी एंड वी वर इंटरेस्टेड इन 1 or 2 थिंग्स फ्रॉम हियर, बट हमने अभी ख़रीदा नहीं है। बट यहाँ पर जो वुड क्वालिटी थी और जो डिज़ाइंस थे वो वे बेटर था एंड पिछली वाली जो शॉप मैंने आपको शो करी है। और यहाँ पर रेट ऐसे था जैसे कि अगर मैंने रनिंग टेबल का पूछा तो 10,000-12,000। हल्की भी लग रही है और वो भी लग रही है। आप कौन सी दिखा रहे हैं भैया? ये वाली दिखा रहे हैं, बंजारा मार्केट में ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी एग्जैक्ट ऐसे टाइप के मैंने देखे हुए हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि 10,000 कोट करते हैं लेकिन 6-7,000 में मान जाते हैं। यहाँ क्या है कि ये लोग ज़्यादा डिस्काउंट नहीं करेंगे, 1-2 हज़ार का डिस्काउंट करते हैं, बट यहाँ की जो क्वालिटी है एंड जो इवन शेल्व्स का जो अंदर स्क्रूज़ वगैरह लगे होते हैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से होता है, उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। लेकिन बंजारा मार्केट में आपको प्लाईवुड अंदर, मतलब प्रॉपर वुड नहीं मिलेगी, अंदर कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो इसलिए ये डिफरेंस है ऑफ द प्राइस। तो मैं बंजारा मार्केट से भी एक अपना अलमीरा लाई थी, आप देख सकते हो। What are you doing in the furniture market? Why are you having ice cream? Give me an answer. Hey Ram, सच में हर वीडियो में चुप हो जाते हो, इतने भाव। क्योंकि आप मेरी मजाक बनाते हो ना वीडियोस में अपनी। फनी कैरेक्टर को फनी कैरेक्टर नहीं है। हाँ, यही वाली है। चलो थोड़ी सी आइसक्रीम हो जाए, बहुत गर्मी हो रही है। खोल दोगे? खोल दोगे? सोफ़ा फैब्रिक्स के लिए सबसे फेमस शॉप है निर्मल्स, एंड निर्मल से हमने पहले भी बहुत अच्छा फ्लोरल प्रिंट का वो लिया हुआ है कपड़ा ऊपर चढ़ाने के लिए। और उससे क्या होता है कि आपको कम रेट पड़ जाता है अगर आप अपने आप कपड़ा सिलेक्ट करके करवाते हो, तो आपको मार्जिन मिल जाता है। एंड देन दे हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस,
इसमें ऑलमोस्ट 2 या 3 फ्लोर्स का, एंड दे हैव रग्स आल्सो, टॉवल्स आल्सो, मतलब सो मेनी थिंग्स, एनीथिंग इन फैब्रिक। हाँ, लाइट ग्रे में अगर कपड़ा आप जो कह रहे हो ना मैट वाला हो, उसमें तो बहुत गर्मी लगेगी। मतलब मैट वाला आप ऐसा कह रहे हो, ये वाला ड्यून कलर 10। दे हैव ऑल काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स, मतलब एक टाइप का नहीं है, आपको लेदर में भी मिल जाएगा, आपको कॉटनिश में भी मिल जाएगा, लिनन में मिल जाएगा, एंड सो ऑन। सो यू कैन, यू मस्ट चेक आउट दैट शॉप। एंड देन वी वेंट टू, हमें स्टूल्स चाहिए थे, सो वी वर लुकिंग फॉर गुड स्टूल्स विद गुड कलर्स, बट ये बड़े बकवास कलर था, बट दे वर चार्जिंग लाइक अराउंड 2500 एंड दे वर रेडी टू, अगर आप अपना कोई फैब्रिक ले जाते तो चेंज कर देते। हाँ, लैंप बाहर मेन रोड पे कुछ दुकान। हाँ, लैंप तो कहीं और से देख लेते हैं, लाइटिंग वाली। देखिए एक शॉप और है बाहर मेन रोड पे, इसकी देख लेते हैं, शगुन करके, शगुन शगुन वाली देख लेते हैं, शगुन कर लेते हैं फिर। शगुन थोड़ा भटकना पड़ता है यहाँ की। हाँ, नगर यही और क्या, हम तो ऐसे भटकती आत्मा है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होता यहाँ भटकना, क्योंकि ऑलमोस्ट हर शॉप पे सिमिलर चीज पड़ी होती है यार। एक्चुअली ये भी है, गर्मी भी ज्यादा है ना। हाँ, गर्मी भी ज्यादा है और थोड़ा सा कियोटिक है, मतलब क्योंकि कीर्ति नगर की सड़कें वड़के आसान नहीं है, पार्किंग आसान नहीं है, कियोटिक, तो फिर इसलिए थोड़ा सा मन खराब होता है। बट फिर भी जब अगर पता हो कि क्या लेना है तो फिर आसान हो जाएगा कि अच्छा आपको ये चाहिए और ऐसा डिजाइन चाहिए, नहीं तो आप बनवा भी सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से बन भी जाता है फर्नीचर, बहुत सारी हैं और सस्ते में बन जाएगा, अगर डबल द प्राइस पे बना हुआ मिलता है और हाफ प्राइस पे बनवा सकते हो। मैंने अपने बेड, अपनी शादी के टाइम बेड वगैरह यहीं से बनवाया था। तो ये जो झूले देख रहे हो आप, ये आउटडोर आप रख सकते हो अपनी बैल्कनीज में, अपने गार्डन्स में, और आप इंडोर भी रख सकते हो, और ये 10,000 to 15,000 के अराउंड पड़ जाता है प्राइस। आप बार्गेन कर सकते हो, प्रॉब्ली यू विल गेट इट बहुत सस्ते में। और ड्रीम्स जो है यहीं से गली अंदर की तरफ जाती है, जहाँ से आप फर्नीचर बनवा सकते हो। अगर आप बाहर जाते हो तो बहुत सारी ऐसी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको अंदर जो सामान मिल रहा है वो ही बाहर मिल रहा है। तो अभी हम बाहर की लेन में घूम रहे हैं, ये पीछे पूरी मार्केट है और उस तरफ भी पड़ती है बहुत सारी मार्केट, और एंडलेस है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 रेड लाइट टू कीर्ति नगर, मतलब मायापुरी की रेड लाइट जो आती है उसके बाद से शुरू होती है मार्केट। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं शगुन फर्नीचर, यहाँ भी देखते हैं। अच्छा लग रहा है ये, थोड़ा सा कुछ यूनिक सा। जिससे पहले मैंने आपको पंजाब फर्नीचर्स दिखाया, वहाँ पे बहुत ही विंटेज स्टफ था, फिर हम शगुन में गए, यहाँ पर भी शीशम का बहुत सारा स्टफ पड़ा होता है। आई थिंक इट कम्स फ्रॉम जयपुर और राजस्थान ओनली, एंड यहाँ पर इन्होंने मना कर दिया वीडियो लेने के लिए। सो आई वेंट बैक टू द राजस्थान वाली शॉप जो मैंने सबसे पहले दिखाई थी, एंड यहाँ पर फिर मैंने आपको डिज़ाइन थोड़े से और क्लियरली दिखाए। अभी हम गए थे शीशम वाली शॉप पे और रेट वो कम नहीं कर रहे कि बार्गेनिंग स्किल्स काम नहीं आई, अफसोस। नहीं, थोड़ी बहुत तो आ रही हैं, वो मैंने कराया है, वो उतना मैंने कराया। अच्छा, लेने आए थे टीवी पैनल, लेकिन हमें वॉल वाला टीवी पैनल बनवाना पड़ेगा, उसके लिए टाइम किसी के पास नहीं है, इसलिए हमने यहाँ से सोचा कि एक रनिंग टेबल ले लेते हैं जिसमें स्टोरेज भी हो जाएगी, और अल्टीमेटली वो किसी और तरीके से भी यूज़ हो सकता है अगर हमें कभी शिफ्ट करना हुआ उसको, तो इसलिए ज़्यादा वर्सेटाइल वो ही रहेगा। तो फिर हम इसलिए यहाँ कीर्ति नगर घूमने आए, देखने आए, और बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। ऐसे टाइम पे फर्नीचर शॉपिंग के लिए आना इज सच अ पेन इन द। कीर्ति नगर मार्केट से निकल आए क्योंकि हम बहुत शोर नहीं थे, और थोड़ा सा बड़ा ही परचेज है फॉर अ टीवी पैनल और वट एवर रनर, तो फिर वी हैव टू वेट अ बिट जब तक हम शोर नहीं जाते, इसलिए हम अगली बार जब कभी जाएंगे तब देख लेंगे। तो अगर आपको कीर्ति नगर का कुछ आइडिया लगा हो, लाइक दिस वीडियो, लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और कमेंट करके बताना। हमारी कीर्ति नगर की ट्रिप और ये वीडियो पूरी तरीके से यूजलेस है, यूजलेस यूजलेस।